जो है अलबे आला जिसकी वो किसना है, वो किसना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों इस प्रकार की कृष्ण जन्माष्टमी का स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको क्राइम मास्टर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसे आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका मॉड वर्जन भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अलाइट मोशन या फिर कैपकट ऐप किसी भी ऐप में बना सकते हैं। सारी प्रोसेस सेम होने वाली है। तो मैं सिंपली अपना क्राइम मास्टर ऐप ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली प्लस का आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर से अपना जो प्रोजेक्ट नेम है उसको सेलेक्ट करना है। अगर नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। तो जो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो अभी हम एडिट करने वाले हैं उसका एस्पेक्ट रेशियो हमको 1:1 रखना है और यहाँ पर सिंपली क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अपनी यहाँ पर 8 फोटो को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर अपने किसी भाई बहन, छोटे भाई बहन या फिर किसी की फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी 8 फोटोज़ को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी 8 फोटोज़ को सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है कि जो हमारी फ़ोटोज़ हैं उन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो एक पैन एंड जूम का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर स्टार्ट पोजिशन उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर स्टार्ट पोजिशन और एंड पोजिशन को रखना है। हम स्टार्ट पोजीशन तो इतनी रखेंगे जितनी ये फ्रेम में फोटो है और जो इन पोजीशन है उसके लिए थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेंगे। तो हम यही प्रोसेस सारी फोटोज में अप्लाई कर लेंगे। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पर फोटो पर टैप करना है, पैन एंड जूम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड वाला जो एंड पोजिशन है उस पर क्लिक करके उसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो सारी फोटो मैं कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने अपनी सारी फोटोज़ में वो इफेक्ट ऐड कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर जो अपनी प्लस का आइकन है यहाँ दोनों फोटो के बीच में उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर से लास्ट में आ जाना है। यहाँ जो क्लासिक ट्रांजिशन लिखा हुआ है उस पर टैप करना है और यहाँ पर जो थर्ड वाला क्रॉस फेड वाला एक ट्रांजिशन है उस पर क्लिक कर लेना है और इसकी ड्यूरेशन 1 सेकेंड तक रख लेनी है। तो हमें जो अपनी सारी क्लिप्स हैं उनके बीच में जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करके यही वाला ट्रांजिशन ऐड करना है। तो मैं जल्दी से ट्रांजिशन को ऐड कर लेता हूँ हमारी सारी क्लिप्स में। उसके बाद हमें क्या करना है इस प्रोजेक्ट को सेव करना है अपनी गैलरी में। तो सिंपली सेव करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर से अपना एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर सेव एज वीडियो पर क्लिक कर लेना है। वीडियो सेव हो जाने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर बैक आ जाना है और यहाँ पर फिर से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसका एस्पेक्ट रेशियो अभी हम 16:9 रखेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो प्रोजेक्ट हमने अभी सेव किया था उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर फर्स्ट में जाना है। उसके बाद हमें सिंपली फिर से पैन एंड जूम के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ये बीच में एक इक्वल का साइन बना हुआ है उस पर क्लिक करना है और अपनी जो फोटो है उसको थोड़ा सा यहाँ पर अपने फुल स्क्रीन के साइज से कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर एक ब्लर वाला इफेक्ट को ऐड करना है। उसके लिए सिंपली यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बेसिक इफेक्ट पर क्लिक कर इस पर टैप करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पर इसको ऊपर ले जाकर इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ पर से इसकी इंटेंसिटी को हाई कर लेंगे।
उसके बाद हम क्या करना है, जो हमारी ये ब्लर वाले इलियर है इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम क्लिप के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक टेम्पलेट को ऐड करने हैं, उसके लिए सिंपली यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे और मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो टेम्पलेट है उसको यहाँ पर से ऐड कर लेंगे। इस टेम्पलेट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। ऐड होने के बाद सिंपली यहाँ पर स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक, उसके बाद यहाँ पर जो आपके बगल में एक फुल स्क्रीन का एक आइकन बना हुआ है उस पर टैप करेंगे तो हमारी जो टेम्पलेट है वो फुल स्क्रीन के साइज़ की हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक आ जाना है और यहाँ पर स्वाइप डाउन करके एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको ब्लेंडिंग का, उस ब्लेंडिंग के ऑप्शन को क्लिक करना है और स्क्रीन पर टैप कर देना है तो जो हमारी ब्लैक स्क्रीन है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट वाली क्लिप है उस पर टैप और उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है एज अ लेयर। तो हम इस सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारी जो क्लिप थी उसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे स्वाइप डाउन करना है और क्रॉपिंग के ऑप्शन को क्लिक करके इसको एक राउंड शेप दे देना है, उसके लिए सिंपली मास्क ऑप्शन को ऑन कर लेंगे और यहाँ पर शेप पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर से जो ये सर्कल बना हुआ है इस पर टैप कर लेंगे तो जो हमारी फोटो थी वो यहाँ पर सर्कल के साइज की हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पर इसको अपनी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर सिंपली बैक आ जाएंगे। जो हमारी टेम्पलेट वाली वीडियो है उसमें साउंड पहले से अवेलेबल है, अगर आपको साउंड एडिशनली ऐड करना है तो सिंपली पहले इसका साउंड को ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली ऐड म्यूजिक पर क्लिक करके अपनी फाइल से कोई से म्यूजिक आप ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो हमारा बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और मैं आपको सिंपली इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। जो है अलबेला वाला जिसकी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किस। तो इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना फ्रेम रेशियो सेलेक्ट करने के बाद सेव एज वीडियो पर क्लिक कर लेंगे तो हमारी वीडियो हमारी गैलरी में सेव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस वीडियो क्रिएट करूँ तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे दी गई ईमेल पर मेल कर सकते हैं। यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो गया पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।